अस्सलामु अलैकुम क्लास फाइव स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 37। टुडे वी स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 5। 47.48 मल्टीप्लाई बाय 20। हमने 47.48 ऊपर लिखा और 20 को नीचे लिख लिया। 0 8 0, 0 4 0, 0 7 0, 0 4 0। आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपके पास जीरो नंबर आ जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप जीरो को जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर है वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। अब हमने स्टेप वन सॉल्व कर लिया है, अब हम स्टेप टू पे आ जाएंगे जो कि टू है। उससे पहले हम फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई करते हुए, जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, जैसे कि मैंने ज़ीरो के नीचे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया है, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आगे। तो 2 8 16, 6 आंसर में लिखा और 1 हमने 4 को कैरी दे दिया। 2 4 8, 8 में 1 कैरी वाला ऐड करें, 9 आ गया। 2 7 14, 4 हमने आंसर में लिखा और 1 हमने 4 जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको कैरी दे दिया। 2 4 8, 8 में हम 1 कैरी वाला ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 9। अब हम इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे, इसका इसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए 0 ऐसे ही आ जाएगा। 0 में 6 ऐड करें, 6 आ गया। 0 में 9 ऐड करें, 9 आ गया। 0 में 4 ऐड करें, 4 आ गया। और चूँकि इसके ऊपर कोई भी और डिजिट नहीं है इसलिए 9 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, 9 4 9.60। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है 133.3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 43 के साथ। तो हमने इसको 133.3 को ऊपर लिखा, 43 को हमने नीचे लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया। 3 1 3। अब हम 4 को करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 9 के नीचे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अब हम 4 को करेंगे, 4 3 12, 2 हमने आंसर में लिखा और 1 हमने 3 जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको कैरी दे दिया। 4 3 12, 12 में 1 कैरी वाला ऐड करें, 13। 3 हमने आंसर में लिखा और 1 हमने नेक्स्ट जो वैल्यू है जो कि 3 है उसको कैरी दे दिया। 4 3 12, 12 में 1 कैरी वाला ऐड करें, 13 आ गया। 3 हमने आंसर में लिखा और 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया। 4 1 4, 4 में 1 कैरी वाला ऐड करें, 5 आ गया। हमने आंसर में 5 लिख दिया। अब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 9 एज इट इज़ आ गया क्योंकि उसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं थी। 9 में 2 ऐड करें, 11 आ गया। 11 का 1 हमने आंसर में लिखा और 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया। 9 में 1 कैरी वाला ऐड करें, 10 हो गया। 10 में 3 ऐड करें तो 13 आ गया। 3 हमने आंसर में लिखा और 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया। 3 में 3 ऐड करें, 6 आ गया। 6 में जो 1 कैरी था यहाँ पर वो ऐड करें तो 7 हो गया। 7 हमने आंसर में लिख दिया और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है 5 7 3 1.9। हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। आप इन क्वेश्चन को कॉपी पर राइट करें, इनकी प्रैक्टिस करें और अपने पेरेंट्स को चेक करवाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।